गुड मॉर्निंग क्लास। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्लेटो का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसके न्याय सिद्धांत की चर्चा कर ली थी हमने। आज उसके बाद में हम शिक्षा सिद्धांत की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, इसलिए उससे रिलेटेड है, इसलिए हमारे को शिक्षा सिद्धांत का भी विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, प्लेटो अपने दर्शन में न्याय के सिद्धांत पर जितना ध्यान आकर्षित करता है या फिर जितना ध्यान देता है, उससे ज़्यादा वो अपने शिक्षा के सिद्धांत पर भी विस्तृत रूप से चर्चा करता है। यानी कि जितना फोकस वो न्याय के ऊपर करता है, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा वो फोकस किसके ऊपर करता है? शिक्षा के ऊपर करता है। देखिए, वो न्याय से ज़्यादा फोकस शिक्षा के ऊपर क्यों करता है? क्योंकि उसका मानना था कि राज्य में जब तक सुनियोजित शिक्षा प्रणाली नहीं होगी, तब तक राज्य में न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर राज्य में न्याय स्थापित करना है तो राज्य की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार करना जरूरी होगा, क्योंकि जब तक एजुकेशन सिस्टम राज्य का सही नहीं होगा, तब तक राज्य में किसी भी व्यक्ति को न्याय प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात न्याय परिभाषित नहीं हो सकता। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे रखा गया है प्लेटो के दर्शन में? शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा अधिक विशेष फोकस किया गया है। और इसी बात को देखते हुए रूसो ने जब इस चीज़ का अध्ययन किया, रूसो के सामने जब ये प्लेटो ने रिपब्लिक का अध्ययन किया, तो रूसो ने क्या कहा? रूसो ने एक स्टेटमेंट दिया। रूसो ने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर नहीं अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी कि रूसो ने क्या कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है, अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। देखिए, रूसो के इस स्टेटमेंट से हमारे को पता चलता है कि प्लेटो ने अपने दर्शन में शिक्षा पर कितना महत्वपूर्ण माना है कितना फोकस किया है, और शिक्षा को ही उसने सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा जो दर्शन का जो मेन दर्शन था वो क्या था? न्याय से संबंधित था। और न्याय कब स्थापित हो सकता है राज्य में? जब राज्य की शिक्षा प्रणाली सुनियोजित होगी, अर्थात शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसलिए रूसो ने भी रिपब्लिक के बारे में कहा है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र पर नहीं अपितु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि शिक्षा को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। देखिए, प्लेटो का मानना था कि राज्य में न्याय रूपी वातावरण को बनाए रखने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। न्याय रूपी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है। इसके साथ साथ में वो ये कहते थे कि उन्होंने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि तीन चीज़ों का होना जरूरी है। आदर्श राज्य में क्या होगा? एक तो न्याय होगा। अब न्याय व्यवस्था को बनाए रख लेकिन उन्होंने कहा कि दो चीज़ें और होना जरूरी है, एक तो शिक्षा और एक साम्यवाद। एक तो शिक्षा और दूसरा है साम्यवाद। यानी कि आदर्श राज्य अगर हमारे को स्थापित करना है, यानी कि आदर्श राज्य की कल्पना की थी उन्होंने रिपब्लिक में, अपनी जो पुस्तक थी रिपब्लिक में उन्होंने क्या कहा कि एक आदर्श राज्य होना चाहिए जिसमें शासन कार्य कौन करेगा? दार्शनिक वर्ग शासन करने का कार्य करेगा। और न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे आदर्श राज्य में, तो उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था और साम्यवाद। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था से तो क्या मानते थे? उनका मानना था कि व्यक्ति को जब तक शिक्षित नहीं करेंगे, अर्थात व्यक्ति में जब तक शिक्षा का संचार नहीं होगा, तब तक राज्य का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। साम्यवाद की बात वो इसलिए करते हैं
कि एक जैसे मान लीजिए शिक्षित व्यक्ति भी क्या कर सकता है कि माया जाल में फंस सकता है, या फिर कहीं ना कहीं लालच में फंस सकता है, या फिर करप्शन कर सकता है, या फिर राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए साम्यवाद की व्यवस्था भी करता है वो, ठीक है। साम्यवाद की व्यवस्था वो किसके लिए करता है? अभिभावक वर्ग के लिए करता है। किसके लिए करता है? अभिभावक वर्ग के लिए। किसकी व्यवस्था करता है? साम्यवाद की। अब देखिए अभिभावक वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं? एक तो दार्शनिक वर्ग आ गया, एक तो कौन सा आ गया? दार्शनिक वर्ग आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया? सैनिक वर्ग आ गया। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि जो अभिभावक वर्ग है वो कौन कौन से में कौन कौन से आते हैं अभिभावक वर्ग में? दार्शनिक वर्ग और सैनिक वर्ग। तो इसके लिए वो साम्यवाद की व्यवस्था करता है। साम्यवाद को भी वो दो प्रकार का बताता है, एक तो परिवार का साम्यवाद और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद, ठीक है। वो ये कहता है कि जिसके हाथ में पावर होगी, जिसके हाथ में सत्ता होगी, उसका ना तो परिवार होगा और ना ही संपत्ति होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि व्यक्ति क्या कर सकता है? परिवार के चक्कर में पड़ के राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है, करप्शन कर सकता है, यानी कि अपने कार्य में ढील दे सकता है। इसलिए एक अच्छे राज्य के लिए शिक्षा का होना जरूरी है और साम्यवाद का होना जरूरी है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि आदर्श राज्य में शिक्षा का होना जरूरी है और साम्यवाद का होना जरूरी है, लेकिन प्लेटो ने अपना जो शिक्षा सिद्धांत दिया उससे पहले उन्होंने एक बात कही। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा मानसिक रोग को, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर मानसिक रोग है तो उसका इलाज क्या है? शिक्षा है। यानी कि प्लेटो का मानना था कि मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, उपचार क्या है शिक्षा। यानी कि प्लेटो का ये स्टेटमेंट भी काफी प्रसिद्ध है कि प्लेटो ने कहा क्या कहा कि मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है क्या है? शिक्षा। उसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति माइंडली अगर परेशान है या फिर माइंडली रूप से सही नहीं है तो उसको उसका उपचार किसके द्वारा किया जा सकता है? उसका उपचार शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए भी वो शिक्षा को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता है, ठीक है। देखिए प्लेटो ने जो अपना शिक्षा सिद्धांत दिया उससे पहले उन्होंने दो नगर राज्य कौन कौन से थे? एक तो एथेंस था और एक था स्पार्टा। एक तो था एथेंस और दूसरा था स्पार्टा। उस समय में दो नगर राज्य थे, तो देखिए छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे उस समय में। इनकी जनसंख्याएं बहुत कम होती थी, जैसे कि आज एक ग्राम पंचायत की संख्या होती है वैसे ही वहां पे नगर राज्य हुआ करते थे। आज के समय में तो पंचायतों की संख्या तो फिर भी ज्यादा है, और उस समय के छोटे छोटे नगर राज्यों की अगर संख्या की बात करें तो प्लेटो ये कहता है कि एक आदर्श राज्य में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 ही होनी चाहिए। तो देखिए इतने छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, अपनी सुरक्षा व्यवस्था अपना सिस्टम खुद रखते थे। तो देखिए उस समय में दो प्रकार की शिक्षा प्रणाली प्रचलित, एक तो एथेंस की और एक स्पार्टा की। तो प्लेटो ने क्या किया कि अपना शिक्षा सिद्धांत देने से पहले उन्होंने एथेंस की शिक्षा प्रणाली और स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला है। तो देखिए एथेंस की शिक्षा पद्धति के लिए उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि शिक्षा परिवार का निजी कार्य समझा जाता था एथेंस में। शिक्षा परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। यहाँ पे जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी उसकी क्या विशेषता थी कि वहाँ पे शिक्षा देना किसका काम था? परिवार का। यानी कि राज्य शिक्षा व्यवस्था नहीं करता था। जैसे आज के समय में हमारी गवर्नमेंट स्कूल खोल रखी है शिक्षा के लिए, तो गवर्नमेंट स्कूल किसके द्वारा संचालित है? सरकार के द्वारा। तो आज के समय में शिक्षा देना किसका कार्य है हमारे यहाँ पे? सरकार का भी है और निजी कार्य भी। आज के समय जैसे प्राइवेट स्कूल है उसमें कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं, तो वो अपने स्तर से शिक्षा देते हैं, सरकार अपने व्यवस्था से भी व्यवस्था कर रही है। तो देखिए एथेंस में क्या था कि शिक्षा देना किसका कार्य समझा जाता था? परिवार का कार्य समझा जाता था। राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था,
राज्य इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। यानी कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को किसी भी प्रकार की शिक्षा दे रहा है तो वो उसका निजी कार्य था, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था। देखिए, ये जो एथेंस की शिक्षा प्रणाली थी वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक दृष्टिकोण से उपयुक्त थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी इसकी सबसे बड़ी, कि यह राज्य का कार्य नहीं था। यानी कि शिक्षा देना किसका कार्य था? परिवार का कार्य था। राज्य को शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। तो सबसे बड़ी कमी क्या निकल के आई एथेंस की शिक्षा पद्धति में, कि सारा काम सही था, शारीरिक शिक्षा भी सही थी, मानसिक शिक्षा भी सही थी, चारित्रिक शिक्षा भी सही थी, परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। तो प्लेटो का कहना था कि यानी कि जो शिक्षा प्रदान करने का कार्य है वो व्यक्ति का निजी कार्य न होकर राज्य का कार्य होना चाहिए। देखिए, अब बात करते हैं हम स्पार्टा की। तो स्पार्टा में शिक्षा देना किसका कार्य था? शिक्षा व्यवस्था राज्य का कार्य था। किसका कार्य था? राज्य का कार्य था। यानी कि सात वर्ष की आयु में बच्चे को राज्य के द्वारा ले लिया जाता था और शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी। यानी कि माता पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं थी शिक्षा देने का, उनके ऊपर कोई दायित्व नहीं था। यानी कि शिक्षा व्यवस्था कौन कर रहा था? स्पार्टा। यानी कि स्पार्टा की अगर शिक्षा की बात करें तो सबसे बड़ी बात यही थी कि वहाँ पे शिक्षा प्रदान करना परिवार का निजी कार्य न समझा जाकर किसका कार्य था? राज्य का था। और परिवार में क्या किया जाता था, जब बच्चा 7 वर्ष का हो जाता था तो उसको राज्य के अधिकारियों द्वारा ले लिया जाता था और उसकी सुनियोजित शिक्षा प्रणाली किसके द्वारा की जाती थी? राज्य के द्वारा की जाती थी। दूसरी विशेषता क्या थी इसकी, कि स्पार्टा अपने विरोधी राज्यों से घिरा हुआ होने के कारण सदा ही इसको आक्रमण से भय रहता था। इसलिए यहाँ पे सैनिक प्रशिक्षण कठोर था। क्या था? सैनिक प्रशिक्षण कठोर था। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसके ऊपर जोर दिया जाता था? सैनिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया जाता था। तीसरा, यहाँ पे स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यानी कि स्पार्टा में स्त्री और पुरुष के नाम पर शिक्षा प्राप्त करने में कोई भेदभाव नहीं होता था। सबसे बड़ी बात यही थी। यहाँ पे देखिए, प्लेटो भी अपने जो शिक्षा सिद्धांत देता है उसमें स्त्री और पुरुषों की दोनों की शिक्षा के ऊपर, समानता के ऊपर बल देता है। अब सबसे बड़ी कमजोरी इसकी भी एक ये थी कि यहाँ पे मानसिक व बौद्धिक प्रशिक्षण कम था। यानी कि प्लेटो ने अपने दर्शन में अपना शिक्षा सिद्धांत देने से पूर्व उन्होंने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करके उन्होंने बताया कि एथेंस में शिक्षा पद्धति में क्या कमी थी और स्पार्टा में क्या कमी थी, और इन कमियों को दूर करके उन्होंने अपना शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो देखिए, यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था परिवार का कार्य था, निजी कार्य था, इसमें ये कमी थी कि ये शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा होनी चाहिए थी? राज्य के द्वारा होनी चाहिए थी। यहाँ पे ये व्यवस्था सही थी कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था किसके द्वारा थी? राज्य के द्वारा थी। लेकिन यहाँ पे बौद्धिक प्रशिक्षण कम था, मानसिक प्रशिक्षण कम था, तर्क की शिक्षा कम दी जाती थी। सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? सैनिक प्रशिक्षण पर ही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार आक्रमण हुआ करते थे, स्पार्टा विरोधी राज्यों से घिरा हुआ था, इसलिए यहाँ पे स्त्री पुरुष सबको सैनिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था। यहाँ पे देखिए,
जो स्त्रियां होती थी उनको भी सैनिक प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता था, व्यायाम की शिक्षा पर जोर दिया जाता था, फिजिकल फिटनेस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, ताकि उनकी जो आने वाली संतान है वो भी बलवान उत्पन्न हो सके। तो ये थी एथेंस की और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियाँ। अब हम प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में चर्चा करते हैं। प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ को आराम आराम से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। क्यों? क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है इसको जब तक समझेंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे को समझ में नहीं आएगी। इसको रटना नहीं है, रटने से तो बिल्कुल याद नहीं होगा, आगे जैसे जैसे चलेंगे तो रटेंगे तो आगे भूलने की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाएंगी। देखिए, प्लेटो क्या कहता था? प्लेटो ने क्या किया कि अपनी जो शिक्षा प्रणाली थी उसको भी कई भागों में बांटा है। सबसे पहले वो प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा होगी, प्रारंभिक शिक्षा वो 6 से 20 वर्ष तक के भी की होगी। कितनी होगी? 6 से 20 वर्ष तक की होगी। अब उन्होंने कहा कि 6 से जो 20 तक की वर्ष तक की जो प्रारंभिक शिक्षा होगी वो भी क्या होगी? दो भागों में बटी हुई होगी। पहला पार्ट क्या होगा इसका? 6 से 18 वर्ष, और दूसरा पार्ट होगा 18 से 20 वर्ष। 6 से 18 वर्ष की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें उन्होंने दो चीज़ों को जोड़ा, व्यायाम और संगीत। और 18 से 20 वर्ष तक की जो शिक्षा थी उसमें उसने जोड़ा कि सैनिक शिक्षा, एक प्रकार की शिक्षा होगी। कौन सी होगी? सैनिक शिक्षा। ठीक है, देखिए प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं कौन? प्लेटो। प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा का काल कितना होगा? 6 से 20 वर्ष होगा। उन्होंने 6 से 20 वर्ष की शिक्षा पद्धति को भी कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा है। कितनी? 6 से 18 और 18 से 20। उन्होंने कहा कि 6 से 18 के बीच में भी दो प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, तो व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। 18 से 20 वर्ष यानी दो वर्ष का उनको सैनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये सबके लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, देखिए व्यायाम की शिक्षा किसके लिए थी? शरीर के लिए। और संगीत की शिक्षा किसके लिए थी? मन के लिए। ठीक है, देखिए प्लेटो ने क्या कहा कि व्यक्ति का अगर शरीर स्ट्रांग होगा और मन उसका अगर कमज़ोर होगा तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ साथ में मन का स्ट्रांग होना भी जरूरी है। इसलिए उन्होंने मन की शिक्षा के लिए किसके ऊपर फोकस किया? संगीत के ऊपर फोकस किया। शरीर की फिटनेस के लिए किसके ऊपर फोकस किया? व्यायाम के ऊपर फोकस किया। ठीक है, अब देखिए ये शिक्षा हो जाने के बाद में 19 वर्ष में जब प्रवेश करेगा बच्चा, तो 19 से 20 वर्ष तक उसको केवल और केवल सैनिक शिक्षा दी जाएगी ताकि वो पूर्ण नागरिक बन सके। देखिए ये जो प्रारंभिक शिक्षा है उसका निष्कर्ष एक ही निकलता है, वो ये कहता है कि व्यक्ति को एक पूर्ण नागरिक बनाना चाहता है, पूर्ण नागरिक बनाना चाहता है। यानी कि ये बेसिक शिक्षा है, सभी के लिए है। इसमें स्त्री और पुरुष के स्त्री और पुरुष के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं होगा, यानी कि ये जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पुरुष भी उतना ही रुचि से भाग ले सकता है जितना कि स्त्री भी। यानी कि स्त्री और पुरुष के नाम पे कोई भेदभाव नहीं होगा, स्त्रियों को भी शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। अब आती है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, ठीक है। अब प्लेटो ये कहता है कि जब 20 वर्ष तक की बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसके लिए एक एग्जाम आयोजित होगी, परीक्षा, जैसे आज के समय में होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल, उसी प्रकार से उस समय में भी उन्होंने क्या कहा कि एक परीक्षा का होना जरूरी है। तो परीक्षा कब होगी? 20 वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण हो जाने के बाद में। तो उन्होंने क्या कहा कि परीक्षा में जो उत्तीर्ण जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। और जो फेल हो जाएंगे बच्चे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे? उत्पादक वर्ग का निर्माण करेंगे। यानी कि शिल्पकारी का कार्य हो गया, कारीगरी का कार्य हो गया, व्यापार का कार्य हो गया, मजदूरी का कार्य हो गया, या फिर अन्य कोई बिजनेस हो गया। यानी कि शासन सत्ता की बागडोर उनके हाथ में नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये प्रारंभिक शिक्षा हो गई।
अब बच्चे जो पास हो गए वो क्या करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये उच्च शिक्षा कितने से कितने वर्ष होगी, 21 से 30 वर्ष की होगी। इस शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया जाएगा, प्लेटो सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर देता था, सबसे ज्यादा जोर ज्योतिष गणित के ऊपर, इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। तो उन्होंने कहा कि 21 से 30 वर्ष की आयु में क्या होगा, दर्शन का पाठ में इसमें पढ़ाया जाएगा, यानी कि 21 से 30 वर्ष की अवस्था में फिर उसको और नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जो उत्पादक, ये जो फैल हो गए 20 वर्ष की अवस्था में, वो उत्पादक वर्ग का निर्माण भी करेंगे और कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, सैनिक वर्ग में भी चले जाएंगे, सैनिक वर्ग में। ठीक है, अब 21 से 30 वर्ष की शिक्षा लेने के बाद में फिर परीक्षा का आयोजन होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी क्या करेंगे, फिर आगे की एजुकेशन लेंगे 31 से 35 वर्ष की। और फेल हो जाने वाले बच्चे क्या करेंगे, अनुत्तीर्ण होने वाले क्या करेंगे, राज्य के साधारण अधिकारी होंगे, साधारण अधिकारी होंगे, या फिर सैनिक वर्ग में भी कुछ लोग चले जाएंगे जिनकी सैनिक क्षेत्र में रुचि है। ठीक है, अब जो पास हो गए विद्यार्थी उनके ऊपर तर्क की, दर्शन की, ज्योतिष वगैरह, गणित आ गया, ज्यामिति आ गया, आगे का और उनको नॉलेज दिया जाएगा, यानी कि 31 से 35 वर्ष तक उनको फिर से अध्ययन करना पड़ेगा। अब 31 से 35 वर्ष तक की शिक्षा व्यवस्था लेने के बाद में प्लेटो कहता है कि फिर भी व्यक्ति की जो शिक्षा है वो अधूरी है, उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो क्या, प्लेटो क्या कहता है कि 35 से 50 वर्ष तक, यानी कि ये जो 15 वर्ष हैं इनमें व्यक्ति क्या करेगा, जगह जगह पे घूमेगा, अनुभव प्राप्त करेगा, अपना एक्सपीरियंस डेवलप करेगा और अपने नॉलेज को और निखार करने की कोशिश करेगा, अपने नॉलेज में और निखार लाएगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति 50 वर्ष तक की परीक्षा योजना में खरा उतरेगा और हर चरण को पार करेगा, प्रशिक्षण प्राप्त करेगा, वो दार्शनिक राजा बनेगा। क्या बनेगा, दार्शनिक राजा बनेगा, अर्थात दार्शनिक वर्ग का निर्माण करेगा और राज्य की बागडोर किसके हाथ में होगी, जो 50 वर्ष तक की परीक्षा के ऊपर जो खरा उतरेगा, 50 वर्ष तक जो नॉलेज ग्रहण करेगा, जो इंटेलिजेंट पर्सन होगा, उस वो क्या करेगा, दार्शनिक वर्ग का निर्माण करेगा। और दार्शनिक वर्ग कौन होगा, वो वर्ग होगा जिसके हाथ में शासन सत्ता होगी। यानी कि प्लेटो ने क्या कहा कि राज्य की शासन सत्ता किसके हाथ में होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो 50 वर्ष तक की परीक्षाओं के ऊपर खरा उतरेगा, हर इम्तिहान को पास करेगा और अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में बिताएगा, वो व्यक्ति दार्शनिक वर्ग का निर्माण करेगा और उसके हाथ में ही राज्य की सत्ता विद्यमान होगी। तो ये था प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। देखिए इसी के ऊपर न्याय का सिद्धांत टिका हुआ है। प्लेटो शिक्षा सिद्धांत की बात क्यों करता है, क्योंकि राज्य में न्याय तभी होगा जब क्या होगा, शिक्षा राज्य में अच्छी शिक्षा व्यवस्था।